हेलो फ्रेंड्स, सीएन इसलिए किया जाता है कि जब कोई हाई रिस्क होता है या फिर वजाइनल डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो बच्चा पेट पर इंसिजन लगाकर फिर निकाला जाता है। पेट पर इंसिजन लगाने के बाद यूट्रस पे छोटा सा कट लगा के बच्चा पूरा बाहर डिलीवर किया जाता है। इनके केस में बीपी शुगर की बीमारी होने के कारण और थायराइड की बीमारी होने के कारण बच्चे को रिस्क ज्यादा था, इसलिए 37 हफ्ते पे ही हम लोग इनका सिजेरियन कर रहे हैं। बच्चे की मेच्योरिटी वगैरह पूरा चेक कर लिया गया है। बच्चे की फेफड़े मजबूत होने के लिए इंजेक्शन भी लगा दिया गया है, जिससे कि बच्चे की सेफ्टी पूरी इंश्योर हो सके। इसमें पेट को पूरा लेयर बाय लेयर ओपन किया जाता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए बीच बीच में पॉटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें मरीज को पूरी बेहोशी नहीं दी जाती है। अगर आप इनसे बात करेंगे तो भी ये रिस्पॉन्ड करेंगी। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा आपको? पेन नहीं हो रहा? नहीं। अब जो आप बोल रहे थे मुझे डर लग रहा है, आप हो इसलिए डर नहीं लग रहा, वो कौन सा डर था? वो तो नहीं है, पेन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है? पता भी नहीं चल रहा। तो बहुत से लेडीज को लगता है ना कि ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो बहुत सारा दर्द होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। तो कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हो आप? ओटी का माहौल भी ठीक लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा ओटी में कोई डर वाली चीज लग रही है? नहीं। कोई हमारे स्टाफ से डरावना तो नहीं लग रहा आपको? कोई भूत भूत नहीं जैसा तो नहीं दिख रहा? सिजेरियन इसलिए लोकल दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसमें बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया बच्चे के पास जाके बच्चे को भी सेडेट कर सकता है। इसमें क्या करते हैं कि पीछे इंजेक्शन लगा के आसपास के एरिया को सुन कर देते हैं। आसपास के एरिया को सुन करते तो उसे दर्द का पता नहीं चलता है। और इसमें किसी प्रकार का वैसे एनेस्थीसिया गैस वाला या खून में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, जिससे कि बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि कमर की या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग जाता तो उसे बाद में जिंदगी भर कमर में दर्द रहता है। बट ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल ये सत्य नहीं है। इसके लिए ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कमर में दर्द रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन से लगता है। सो काउंट डाउन शुरू। आप रेडी हैं? हाँ। बिल्कुल थे। अच्छे से? हाँ। अब हम यूट्रस पे छोटा सा कट लगाकर बेबी को बाहर निकालेंगे। ये रेडी, 1, 2 and 3, ये देखो, ये देखो, एकदम हेल्दी बेबी है, लेटा हुआ है। कैसा लग रहा है बेबी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई हो। क्या हुआ? बेटा हुआ है। बधाई हो। बधाई हो। चप्पलें लेना तो एकदम ठीक है, बढ़िया है। ससुर वो भी ठीक है, अंदर सब ठीक है, ठीक बस सब सही से निपट जाए तो सबसे अच्छी बात। गेट बंद कर दो। खुशी की बात है। अच्छा, खुशी के आंसू भी अच्छे होते हैं।